मध्य प्रदेश के जबलपुर में यूरिया सप्लाई में गड़बड़ी सामने आई है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मूड में आ गए हैं। सीएम शिवराज ने सुबह 7 बजे वर्चुअल माध्यम से जबलपुर कमिश्नर आईजी कलेक्टर एसपी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस दौरान सीएम शिवराज ने गड़बड़ी को लेकर जानकारी लेना चाहिए, जिसे लेकर कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश की है। इसके बाद एक्शन में आए सीएम ने कहा कि इस तरह से कतई गड़बड़ी नहीं चलेगी, पूरे प्रदेश में कहीं भी किसानों को खाद की दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहीं आईजी एसपी धारा पुष्ट दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मैं पूरी घटना की जानकारी चाहता हूं, ये गड़बड़ कैसे हुई, कहां हुई, किसने की, कौन बताएंगे, कमिश्नर बताएंगे, कलेक्टर बताएंगे। घटना हुई है सर, ये क्रपको फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये उन 7 कंपनियों में से एक है जो जबलपुर के क्षेत्र में फर्टिलाइजर को सप्लाई करते हैं। इनके द्वारा एक अलग परिवहन कर्ता को नियुक्त किया गया है फर्टिलाइजर सप्लाई के लिए। डीपीएमके फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस कंपनी ने ही ये फर्टिलाइजर को नियुक्त किया है जो परिवहन कर्ता है। तो ये जो रैक थी सर, ये रैक लगने की सूचना मिली थी 25 तारीख को, और 25 अगस्त को, और उनको प्रोग्राम दे दिया गया था कि इस रैक में जो 2600 मेट्रिक टन यूरिया आया है वो किस जिले के किस डबल लॉक में पहुंचाया जाना और कितना पहुंचाया जाना। ये नहीं चलेगा कि इनके कारण अफरा तफरी मच जाए भैया, ये जो आवंटित किया था इनको 70 और 30, इसका पालन करने के लिए बाध्य थे कि नहीं? आई जी बैठे हैं और एसपी बैठे, तत्काल एफआईआर करो और एफआईआर करके पकड़ो इनको। नमस्कार सर, करेंगे सर। ये नहीं चल सकता भाई, किसान कैसे खाद डाइवर्ट कर दिया है इस पे काम। हाँ, इनका धारा कौन कौन सी लगेगी बताओ। फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर है, उसका वायलेशन हुआ है, 3A, 3B, 3C में कवर होगा सर, तो इसी एक्ट की धाराओं में इसमें एफआईआर होगी सर। बस मैं चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो और एग्जाम फिर बने। ये थोड़ी चलेगा कि जहां मर गया वहां खाद दे दिया। इस समय जब खाद की जरूरत है किसान परेशान।